आज हम नरीना का 5 लीटर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देखेंगे, नरीना लाइफ साइंसेस का। ये 3 लीटर में भी आता है, 0 to 3 liters, 0 to 5 liters में भी आता है। इसमें फ्रंट पे देख लेते हैं इसके कंट्रोल्स। ये इसका नेबुलाइजर पोर्ट है, ये ऑक्सीजन आउटपुट पोर्ट है, ये फ्लो मीटर 0 to 5 liters, ये डिस्प्ले स्क्रीन, ऑन ऑफ स्विच, म्यूट बटन, अलार्म, टाइमिंग, टाइमर बटन है, यहाँ पे पावर का इंडिकेटर है, यहाँ पे नॉर्मल चलेगा तो उसका इंडिकेटर है, प्रॉम्प्ट, यहाँ पे कोई अलार्म आएगा तो ये फॉल्ट होगा तो ये इंडिकेट करेगा। यहाँ पे पॉलन फिल्टर इसमें साइड में दिया गया है, पॉलन फिल्टर है। और बैक साइड पे इसके हेपा फिल्टर है, थोड़ा देखने में अजीब है, बड़ा सा डिफरेंट। ये नॉर्मली 1000 घंटे पे शायद बोलते हैं चेंज करने के लिए, पर 1000 hours इसको चेंज करने के लिए बोलते हैं। ये इसका ह्यूमिडिफायर बॉटल है, ये भी थोड़ा अलग सा है, डिफरेंट। नॉर्मली यहाँ पे इनलेट होता है बॉटल का, इसमें दोनों पॉइंट्स आउटलेट इनलेट सामने ही दिए गए हैं, एरोज इसमें लगे हैं, ये अंदर की तरफ एरो जा रहा है। तो इसको हम ऑक्सीजन आउटपुट से कनेक्ट करेंगे और यहाँ से नेजल कैन्यूला लगा के यूज़ करेंगे। इसको हैंग करने के लिए ये जगह बनी हुई है इसकी। ये बॉटल को यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, इसको चला के देख लेते हैं। इसमें ये कॉर्ड इसकी अच्छी खासी लंबी दी है, काफी लंबी है, 2 pin plug आ रहा है इसमें। इसको हम इंसर्ट करते हैं और ऑन किया, ऑन करके आपको ये ऑन ऑफ बटन दबाना है इसको चलाने के लिए। ऑन ऑफ करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ये रेड कलर दिया है, रेड कलर पे मार्किंग है इसकी 5 liters पे, तो इसको 5 से ऊपर नहीं करना है। यहाँ पे ये टाइमर बटन आ रहा है, इस टाइमर डिस्प्ले है, नीचे टोटल आवर्स कितने चल चुके हैं वो दिखाएगा। टाइमर लगाने के लिए इसको बटन दबाएंगे तो ये 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, फिर ये 1 घंटे के बाद घंटे में चेंज करता है, मिनट्स में चेंज नहीं करेगा। तो 9 घंटे का टाइमर है इसमें, उसके बाद करेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा। ये ऑन ऑफ बटन है, ये इसका बटन है अलार्म म्यूट करने के लिए, कोई अलार्म आपको म्यूट करना है तो आप इसको म्यूट कर सकते हैं। नेबुलाइजर पोर्ट ये दिया गया है, इस पर कैप लगा हुआ है, इसको ओपन करेंगे, ओपन करके आप इसके ऊपर नेबुलाइजर ट्यूबिंग लगा सकते हैं। यूज करने के बाद इसको वापस बंद कर दीजिए, ये बंद हो जाएगा। ये सर्किट ब्रेकर दिया गया है, इसमें फ्यूज नहीं है, कुछ भी फ्लक्चुएशन होगा या कोई फॉल्ट होगा तो ये बाहर आ जाएगा, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, अभी ऐसे सॉफ्ट है, ये हार्ड हो जाएगा और बाहर आ जाएगा थोड़ा सा। तो इसको वापस प्रेस करके फिर से अपना फॉल्ट रेक्टिफाई करके जो भी पावर का प्रॉब्लम है उसको रीसेट करके इसको रीसेट कर दीजिए, ये चल जाएगा। और इसमें एक ड्रॉबैक है, जैसे कि हम ये पावर ऑफ किया या बिजली चली गई या एकदम से आ गई, तो जब दोबारा वापस बिजली आएगी इसको ऑन करेंगे, डिस्प्ले तो ऑन हो जाएगा लेकिन मशीन ऑन नहीं होगी, कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ, तो वो ऑन करने के लिए आपको फिर से प्रेस करना पड़ेगा, तब ये मशीन ऑन हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मली अगर रात को सोते सोते लाइट चली जाएगी तो आप लाइट गई और आई तो पेशेंट को तो पता नहीं लगेगा लाइट चली गई है और आ गई है, तो इसलिए
ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, जो भी ये मशीन ले रहे हैं इसमें इस बात का ध्यान रखें कि जब पावर आना जाना करे या ऑन ऑफ फ्लक्चुएशन हो तो एक बार चेक कर लें मशीन चल रही है कि नहीं चल रही है। अभी इसकी प्योरिटी और प्रेशर देख लेते हैं। प्योरिटी चेक करने के लिए ये अभी नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जैसे 21 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं।93% आ रहा है, प्योरिटी तो अच्छी है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके भी देख लेते हैं, थोड़ा सा फ्लो कम था, 4 पे था। नाइन्टी परसेंट से ऊपर दे रहा है 5 लीटर्स पे। अभी इसका प्रेशर देख लेते हैं। प्रेशर देखने के लिए प्रेशर इसमें ऑलमोस्ट 12-15 PSI आ रहा है, मिनिमम 12 आ रहा है, 12 PSI का प्रेशर अच्छा है, प्योरिटी भी ठीक है। इससे तो मशीन ठीक है, बस यही ड्रॉबैक है कि इसमें ये पावर आने जाने पे खुद से ऑन नहीं होती है, आपको ये बटन दबा के कंप्रेशर ऑन करना पड़ेगा इसे। Thank you.